स्पीकर हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आप लोगों के उपाय लेकर के आया हूँ वो है व्यापार को बढ़ाने वाला उपाय। व्यापार के मैंने पहले बहुत से उपाय बताए हैं और बहुत से लोगों को उन उपायों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए आज मैं फिर आपके सामने व्यापार का उपाय लेकर के उपस्थित हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको व्यापार के उपाय बताऊं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कॉल, दिन भर में अगर 100 कॉल मेरे पास आते हैं तो 60-70% कॉल केवल व्यापार के ही होते हैं। महाराज जी, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी शॉप नहीं चल रही, मैं घर से ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ वो नहीं चल रहा है, क्या करें। पर जिन लोगों ने उपाय किए हैं, जिन लोगों ने व्यापार वृद्धि यंत्र मंगा करके यंत्रों की पूजा स्टार्ट कर दी है, उनका व्यापार चलने लग गया है। भले ही धीरे धीरे चल रहा है पर चलने लग गया है। देखिए, जो उपाय होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं, एकदम से नहीं कि आपने आज किया कल आपको बहुत ज्यादा एकदम से लाभ हो जाएगा। हाँ, पर धीमे धीमे, आज थोड़ा चलेगा कल परसों, ऐसे करके फिर रफ्तार पकड़ता है, बहुत तेज चलता है। इसलिए आज फिर मैं आपको व्यापार का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, यदि आप इस उपाय को करेंगे, और जितने भी मैं उपाय बताता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी हम कितने उपाय करें, तो मैं सबसे कहना चाहता हूं एक एक करके आप सारे उपाय कर सकते हैं, पर एक एक करके करिए। आज जैसे आपने कोई उपाय कर लिया, फिर कुछ दिन बाद आपने कोई उपाय कर लिया, फिर कुछ दिन बाद आपने कोई उपाय कर लिया, पर सारे उपाय आप करते रहेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होने वाला है। उन उपायों से व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलते चलते रुक गया है, व्यापार में ग्राहक तो आ रहे हैं, बहुत सी दुकानों में क्या प्रॉब्लम रहती है, ग्राहक तो आते हैं पर कुछ लेके नहीं जाते, देख देख के चले जाते हैं केवल, क्योंकि आ तो जाते हैं पर उन्हें कोई आकर्षण नहीं कर पा रहा है, कोई आकर्षित नहीं करने वाला है। कैसे वो आकर्षित हो आपके सामान की तरफ, दुकान की तरफ, उसका भी मैं आज आपको उसमें उपाय बताने जा रहा हूं, कैसे आपको आकर्षित करना है कि दुकानदार आएंगे भी, मानी ग्राहक आएंगे भी और आपके यहां से कुछ लेकर भी जाएंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आज का उपाय यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, और पिछले भी मैंने जो उपाय बताए उनसे भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, कॉल करके बताइए, व्हाट्सएप करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, किसी भी प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम मुझे तक पहुंचाइए, मैं आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं आपको करना क्या है। देखिए, शनिवार वाले दिन आपको उपाय करना है, शनिवार वाले दिन आपको राई लेनी है, राई आप जानते हैं, राई ले लीजिए और राई को एक आपको लेना है लाल कपड़ा, लाल कपड़ा लीजिए और लीजिए राई को, लाल कपड़े राई देखिए शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बिल्कुल गंदी राई नहीं होनी चाहिए, इस चीज का बहुत ख्याल रखिए। शुद्ध एक मुखी राई लेनी है, एक मुखी राई ले लीजिए, एक लाल कपड़ा चौकोर में ले लीजिए, लाल कपड़े में आपको राई को डालना है, उसका काले धागे से उस कपड़े के मुंह को बांध देना है, ऐसे समेट करके काले धागे से उसको बांध देना है उसके मुंह को, उसके बाद उस कपड़े को पूरी दुकान में आपको घुमा देना है, पूरी दुकान जितनी भी बड़ी आपकी शॉप है, दुकान जो भी है, वहां सारी जगह आप कैसे घुमा करके पहले उसकी पूजा कर लेना, थोड़ी आप धूप दीप आरती ऐसे दिखा करके पूजा कर लेना, प्रार्थना कर लेना, उसके बाद पूरी दुकान में ऐसे ऐसे घुमा देना। दुकान में घुमाने के बाद फिर दुकान के बाहर जो आपकी शटर है, दुकान के बाहर आपकी शटर है, वहां पर जाकर के उसको आपको बांध देना, शटर हो, दरवाजा हो, ऐसी जगह जहां पे वो बंद ही रहे, वहां पर जाकर के आपको बांध देना। इस उपाय करने से क्या होगा, जितनी भी अलाएं बलाएं होंगी, जितने भी दोष होंगे, नजर होंगे, टोटके होंगे, शनि भगवान की कोई आपके ऊपर दशा होगी, महादशा होगी, या कोई ढहिया होगा, कुछ भी होगा, सारी चीजें दूर हो जाएंगी, किसी ने आपकी दुकान बांधने की कोशिश की होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी दुकान चलने लग जाएगी। जो अभी तक आपकी नहीं चल रही थी, रुक रही थी, ग्राहक नहीं आ रहे थे, कस्टमर नहीं आ रहे थे, सारी चीजें दूर हो जाएंगी और आपकी दुकान चलने लग जाएगी। छोटा सा उपाय है, एक मुखी राय लेनी है साफ, एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, राय को कपड़े में डालना है, काले धागे से उसका मुख बंद कर देना, शनिवार वाले दिन आपको उपाय करना है, थोड़ी सी धूप दीप आरती से पूजा करिए, पूरी दुकान में राय के कपड़े को आपको घुमा लेना है, प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु कृपा करिए मेरी शॉप खूब चले, दुकान खूब चले, उसे से आपका घर परिवार चलता है, उसके बाद उस कपड़े को जाकर के आपको दुकान के बाहर शटर के वहां बांध देना है, या फिर शटर में ही नहीं बांधिए, क्योंकि शटर तो आप यार ऊपर नीचे करती है, शटर के अगल बगल के ऐसी जगह बांधिए जहां आपको कपड़ा बंधा रहे, ठीक है। एक तो ये करना है, दूसरा अब व्यापार वृद्धि यंत्र, मैंने हर वीडियो में बताया है व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में, व्यापार वृद्धि यंत्र के से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतना लोगों को फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत लोगों ने व्यापार वृद्धि यंत्र लिया, लोगों को फोन भी आ रहे हैं महाराज जी मेरा बिजनेस चलने लग गया है,
तो उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोगों का बिजनेस चल रहा है। तो जिन लोगों के पास अभी तक व्यापार वृद्धि यंत्र नहीं पहुंचा है, जिनको नहीं प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ से व्यापार वृद्धि यंत्र प्राप्त कर लें, जो प्राण प्रतिष्ठित है, अभिमंत्रित है और सिद्ध है। हमारे यहाँ से जो यंत्र प्राप्त आपको होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा, अभिमंत्रित होगा, सिद्ध होगा, तीनों चीजें उसमें होंगी। तो वो आप सबसे पहले हमारे यहाँ से मंगा लें, जिनके पास नहीं पहुंचा है। जिनके पास आ गया उनके लिए मैं दूसरी चीज बताने वाला हूँ आज। तो जिनका व्यापार वृद्धि यंत्र नहीं हो, व्यापार वृद्धि यंत्र सबसे पहले अपने स्थापित करें, उसके बाद उपाय करें, तो उनको डबल ट्रिपल फायदा होगा। यंत्र स्थापित करने के बाद ही आपको सारे उपाय करने हैं, पहले मत करिए, ठीक है। हाँ, अब जिनको व्यापार वृद्धि यंत्र जिन्होंने मंगा लिया है, जिन्होंने व्यापार वृद्धि यंत्र को स्थापित कर लिया है, वो हमारे यहाँ से आकर्षण यंत्र मंगवा लिया, जो सिद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित है। आकर्षण यंत्र क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि कस्टमर आपकी दुकान में आ तो जाते हैं पर कुछ लेके नहीं जाते। तो आकर्षण यंत्र क्या करेगा कि ग्राहकों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ, आपकी दुकान की तरफ, आपके प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित करेगा, तो ग्राहक फिर वो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से लेकर के जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने व्यापार वृद्धि यंत्र मंगा लिया, वो आकर्षण यंत्र अवश्य मंगवाएं और अपनी दुकान में लगवाएं, जिससे क्या होगा, ग्राहक आएंगे भी और आपके यहाँ से सामान लेके भी जाएंगे। और जिन्होंने व्यापार वृद्धि यंत्र नहीं लिया, वो व्यापार वृद्धि यंत्र भी मंगवाएं, साथ में आकर्षण यंत्र भी मंगवा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं कि आप पहले यंत्र स्थापित करिए, उसके बाद यंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर चली रहे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, स्क्रीन में नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सअप करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, ये दोनों मेरे पर्सनल नंबर है, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। कभी भी आधी रात को भी आपको प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, चिंता मत करिए। आपकी शॉप नहीं चल रही है, बिल्कुल चलेगी, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच उपाय बताऊंगा, पर आपकी रुकी हुई दुकान मैं अवश्य चलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि आप शॉप में डूबे, बिल्कुल शॉप में मत डूबिए, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, भगवान पे भरोसा रखिए और आप उपाय करते रहिए, बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सब लोग आनंद बनाए, मस्त रहे, राधे राधे।